क्या कहा? आपके भाई ने आपके साथ गद्दारी की, आपने उसको बड़ा किया और उसने आपके साथ ऐसा सलूक किया? नालायक, एहसान फरामोश। अब देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसको कोर्ट में घसीट कर लाता हूँ और उसको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि वो 10 चरण तक याद रखेगा। बिल्कुल हाँ संजय। अरे ऐसे क्या देख रहा है, मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा भाई हूँ विजय। भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, मैं भी तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? ये क्या भैया, तुम रो रहे हो? अरे मन भर आया, बचपन से लेकर जवानी तक तेरे बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं, अचानक तकदीर ने 7 साल के लिए हमें जुदा कर दी। ए भाई, तुझे तेरा ये भाई याद आता था या नहीं? हाँ, बहुत याद आता था। तुम आओ, बैठो, मैं आया 1 मिनट में। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम इस बदलती दुनिया में मेरा संजय नहीं बदला। लो ना भैया, ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? तुम इसे रख लो, 7 साल की जेल काट कर जो इंसान आता है इस दुनिया से, उसका रिश्ता कट चुका होता है, लोग उसे भुला चुके होते हैं, कोई नौकरी नहीं देता, कोई कर्ज नहीं देता, कोई घर नहीं देता। इन रुपयों से तुम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो, एक कारोबार शुरू कर सकते हो, अपना ठिकाना बना सकते हो। संजय, जो बात तुम अपनी जबान से खुलकर नहीं कह पा रहे हो, ये नोट अपनी जबानी साफ कह रहे हैं कि मैं इन्हें ले लूं और दोबारा तुम्हारे घर में कभी ना आऊं, ताकि तुम्हारी वकालत के काले कोट पर मेरे नाम का काला धब्बा ना लग जाए, है ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये तुम्हारा अपना घर है, शौक से आते जाते रहो। जहां आते से जाते लगा रहता भाई, उस घर में जाया नहीं करते। और तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, मेरा सपना पूरा हो गया। तेरी खुशियां तुझे मुबारक हो, तेरी खुशियों की दुनिया में मैं कांटे बिखरने कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं संजय नहीं, मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकता हूँ, मैंने जिंदगी को इतने नजदीक से देखकर समझ लिया है कि किसी को सही और गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू खुद को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता जितना मैं तुझे समझ सकता हूँ। खुश रहे भाई, अमर रहे।